ओपन 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 छोड़ दे बाइक बाइक ये काम कर बाइक लेट्स टू द बाइक दे सो इट इज हम लोगों तक डायरेक्टली पहुंच रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट करें, इसलिए हम सारे देश में घूम रहे हैं और स्पेशली यूथ के साथ मिलके उनके साथ बातें करके उनके साथ तस्वीरें खिंचवा के हम इस फिल्म को प्रमोट करें। जितना लोगों से मिल रहे हैं, क्या लोगों के एक्सपीरियंसेस आप अनफोल्ड कर पा रहे हैं? हम एक्चुअली जिस शहर में जा रहे हैं वहीं पे एक ऐसा इंस्पायरिंग कैरेक्टर ढूंढते हैं जिस जो कि मांझी के बराबर का हो, और इसलिए हर शहर में जाके हम लोगों ने मांझी ढूंढा है, उसको रिकग्नाइज़ किया और उसके उनसे मिल के उनसे प्रेरणा ली। जी कल दशरथ मांझी की डेथ एनिवर्सरी है और 17 अगस्त को हम गहलोर जाकर उनके गांव में जाके उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं इस फिल्म की रिलीज और उनका जन्मदिन। जी बहुत अच्छा पोस्टर बनाया है और फैन है तो मैं हम लोगों को पता चला तो हम लोग आए यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत पोस्टर बनाया है। इस जगह से आपको कोई कनेक्शन है यहाँ पे? आप एक्चुअली जो पोस्टर है वो जैसे हमने बाकी जगह पे भी हम लोग गए तो बहुत जैसे अहमदाबाद में भी एक ह्यूज पोस्टर बनाया है वहाँ के IIM के स्टूडेंट्स ने, तो आई थिंक कुछ पोस्टर कुछ अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को और उसके जो नीचे शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद एक स्लोगन बन गया है तो एक अच्छा कनेक्शन बन रहा है डायलॉग के ज़रिए और पोस्टर के ज़रिए जो लोगों से जो कनेक्शन मिल रहा है वो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। लोगों को आपका कैरेक्टर बहुत अपील कर रहा है, फिल्म का प्रोमो बहुत पसंद आ रहा है, कौन सी एक चीज़ आपको सबसे ज़्यादा कनेक्ट की थी जब ये कहानी आपको नरेट की? आई थिंक सबसे बढ़िया जो कनेक्शन है वो मेरे लिए मुझे लगा था कि ये एक ऐसा इंसान है जो ठीक है माध्यम फिल्म है लेकिन इस इंसान के बारे में सबको पता होना चाहिए, स्पेशली यूथ को मालूम होना बहुत ज़रूरी है एक ऐसे इंसान के बारे में जो एक आम सा आदमी था लेकिन जिसका एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम था। और आई थिंक जहाँ मुझे लगता है कि इस वक्त जहाँ पे भी हम जा रहे हैं सबका एक आइकन रोल मॉडल की तरह हो गया क्योंकि उसका काम ही ऐसा था कि इसने बिल्कुल इम्पॉसिबल काम किया, तो हर आदमी उसके डायलॉग से कनेक्ट कर रहा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं और भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो, तो इस तरह के जो डायलॉग का एक क्रेज़ बनता जा रहा है पूरे उसमें। जब हम आउट ऑफ बॉम्बे गए तो हर स्टेट में एक कनेक्शन बनता जा रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है डेफिनेटली। और मुझे हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और बहुत उम्मीद है इस फिल्म से कि ये इंसान की स्टोरी यूथ तक जाएगी। नवाज़ आज तक जो है सलमान का एक गाना था सेल्फी ले ले रहे, तो आज आपके साथ सब सेल्फी लेना चाहते हैं, आपकी परफॉर्मेंस को काफ़ी अप्रिशिएट करें तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ऑफकोर्स अगर डेफिनेटली मैं तो चाहता हूँ कि इस फिल्म में मेरा अब तक का बेस्ट काम है और जितना भी यूथ है और देखे वो क्योंकि इतना डिटेलिंग